A very good morning to all of you. Today we are going to start our experiment number 63. So in that experiment number 63, we have to prepare and submit cetrimide cream as per British Pharmacopoeia BP. So इसमें हमको cetrimide cream बनाना है, जिसके में हमको ingredients already prescription में दिए हैं, जिसमें हमको लेना है सिट्रीमाइड 5 ग्राम, सिट्रोस्टीर अल्कोहल 50 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 500 ग्राम, प्यूरिफाइड वाटर फ्रेशली बॉइल्ड और कोल्ड वाटर हमको लेना है अप टू 1000 ग्राम. ओके, सो ये है एक लीटर के लिए, मींस 1000 ग्राम हमको मींस एक किलो क्रीम के लिए यहाँ पर दिया है. बट हमको जो बनाना है कितना 20 ग्राम. सो हम इसको अगेन फैक्टर पे इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, देन फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी आती है उससे हमको प्रिपरेशन करना होता है. ओके, देन नेक्स्ट आते हैं फिर प्रोसीजर पे. सो इन दैट प्रोसीजर सबसे पहले हमको जो इंग्रेडिएंट्स है उनको एक्यूरेटली वे करना है. देन फिर उसके बाद जो सिट्रोस्टीर अल्कोहल है उसको मेल्ट करना है. ओके, देन फिर उसके अंदर लिक्विड पैराफिन को ऐड करना है और उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको वार्म करना है. ओके, उसको गर्म करना है. देन फिर ये हो गया हमारा ऑयली फेज. ओके, सिट्रिक अल्कोहल, लिक्विड पैराफिन. ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर एक्वस फेज. तो एक्वस फेज में हमको सबसे पहले जो सेट्रीमाइड है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसको डिसॉल्व करना है फ्रेशली बॉइल्ड और कूल वाटर के अंदर, और उसको भी मीन्स सेम टेम्परेचर पे 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको वार्म करना है. ओके, देन चेक दैट द टेम्परेचर ऑफ बोथ फेजेस इज 60 डिग्री सेल्सियस. देन फिर जो लिक्विड पैराफिन का जो है मीन्स ऑयली फेस का हमको टेम्परेचर चेक करना है. ओके, और जो एक्वस फेस है दोनों का हमको टेम्परेचर चेक करना है, दोनों का टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है. ओके, एट 60 डिग्री सेल्सियस. देन एड एक्वस फेस टू द ऑयली मिक्सचर एंड स्टीर कंटिन्यूसली अंटिल कोल्ड. देन फिर जो एक्वस फेस है जैसे कि हमारा सिट्रीमाइड का, ओके, उसको हमको ऑयली मिक्सचर के अंदर जिसके अंदर लिक्विड पैराफिन और सिट्रिक अल्कोहल है, सिट्रोस्टीर अल्कोहल है, उसके अंदर हमको उसको मिक्स करना है कंटिन्यूअसली स्टरिंग के साथ. ओके, जब तक कि वो कूल नहीं होता है. देन फिर उसके बाद फिल द क्रीम इन वाइड माउथ बॉटल. देन फिर उसके बाद प्रिपरेशन हमारा प्रिपेयर हो गया है, तो उसको वाइड माउथ बॉटल के अंदर उसको फिल कर देना है. देन प्रिकॉशन भी लेने का हमको, तब डू नॉट टच द साइड्स, और जो भी उसकी साइड्स है बॉटल की वो हमको वहाँ पर टच नहीं करना है. टैप द बॉटल लाइटली टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म लेयर एट द बॉटम, और उसको थोड़ा इसे टैप करना उसको. ओके, कि जो भी क्रीम है इसको यूनिफॉर्म सेट हो जाए उसके नीचे में. ओके, बॉटल के. देन फिर उसको कॉक करना है, फिर उस पर लेबल अटैच करके उसको सबमिट कर देना है. ओके, सो लेबल जो कि हमने जो भी सिट्रीमाइड क्रीम बनाए एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो उसका यूज क्या है, एज हम उसको एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और एज अ इमोलियंट, मीन्स हम उसको एज अ एंटी इन्फेक्टिव, मीन्स जो माइनर बर्न्स होते हैं मीन्स जले हुए होते हैं उसको हम हील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. कि इन रिजल्ट 20 ग्राम ऑफ सेट्रीमाइड क्रीम ब्रिटिश फार्माकोपिया इज सबमिटेड इन वाइड माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विथ स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 63 हमारे यहाँ पर एंड हुआ. देन नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 64. सो 64 भी मींस सेम है, इसमें भी हमको जिंक क्रीम बनाना है, जिसके मींस इंग्रेडिएंट्स अलग है. यहाँ पर मींस जिंक ऑक्साइड फाइनली सिफ्टेड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओलिक एसिड, एलएचएस ऑयल, वूल फैट और प्यूरिफाइड वाटर अप टू 100 ग्राम. उसी तरह से हमको इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 63 के अंदर जैसी फॉलो की. ओके, तो यहाँ पर भी मीन्स एक किलो के लिए है, मीन्स 1000 ग्राम के लिए, बट हमको बनाने कितना 10 ग्राम, तो हम फैक्टर पे जाके फिर उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके, देन फिर
प्रोसीजर भी उसकी मीन्स थोड़ी बहुत सेम ही है यहाँ पर, कि जो भी जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको ट्रांसलेट करना है हमको कि वो एक स्मूथ पेस्ट मीन्स फॉर्म करें, ओके। देन फिर वो मिक्सचर को हमको ऑलिक एसिड के अंदर और अरेचिस ऑयल के अंदर उसको ऐड कर देना है, ओके। देन फिर जो वूल फैट है और जो प्यूरिफाइड वाटर है हम उसको ग्रेजुअली मीन्स उसके अंदर ऐड करना है कि वो 10 ग्राम का मीन्स प्रिपरेशन वो बन जाए, ओके। देन फिर उसको बॉटल के अंदर ट्रांसफर करना है, फिर उसको लेबल करके सबमिट कर देना है, ओके। तो ये भी एज अ एस्ट्रिंजेंट हम उसको यूज़ करते हैं, बट हमको जो 10 ग्राम्स का जो क्रीम बना रहे हैं हम जिंक क्रीम, उसको हमको कोलेप्सिबल ट्यूब बॉटल के अंदर उसको फिल करके उसको रख देना है, ओके। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 64, सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें मीन्स डिफरेंट नहीं है। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 65। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 65 के अंदर हमको उन्नास पेस्ट हमको प्रिपेयर करना है और उसको सबमिट कर देना है। सो सबसे पहले हमने जो भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो पढ़े थे हमने, ओके, उसके अंदर हमने ऑइनमेंट पेस्टेस एंड जेलीज का देखा था मीन्स वो क्या होता है। सो सिंपली हम उसको एक बार मीन्स शॉर्टलिस्ट को रिवाइज करते हैं कि पेस्ट जो होते हैं मीन्स सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिसको मीन्स हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं स्किन्स पे, ओके। बट ये थोड़े मीन्स ठीक होते हैं और थोड़े स्टिफ होते हैं, बट ये मीन्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते, जैसे कि जो ऑइंटमेंट होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो पेस्ट होते हैं ये मेल्ट नहीं होते। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मीन्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मीन्स वहाँ पर मीन्स कोटिंग फॉर्म करते हैं जिस भी एरिया पे हम इसको अप्लाई करते हैं, और इसको हम ज़्यादातर एज अ एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव सूथिंग ड्रेसिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर मीन्स जैसे कि हमने लेक्चर में पढ़ा था, तो इसके अंदर बहुत सारे मीन्स बेसिस हम यूज़ करते हैं इसके अंदर इसको प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि हाइड्रोकार्बन बेसिस, फिर उसके बाद वाटर मिसिबल बेसिस और वाटर सोल्यूबल बेसिस हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ओके। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 65 के अंदर हमको पेस्ट प्रिपेयर करना है, ओके। सो यहाँ पर मीन्स प्रिस्क्रिप्शन हमको दिया है जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड 50 ग्राम है, जिलेटिन 50 ग्राम है, ग्लिसरीन 35 ग्राम है और डिस्टिल वाटर अप टू 35 ग्राम, बट हमको प्रिपेयर करना है 20 ग्राम। सो अगेन हम फैक्टर पे जाते हैं, ओके। देन फिर फैक्टर पे जो कैलकुलेट करने के बाद हमको डिफरेंट मीन्स उसकी क्वांटिटी मिलती है, ओके। सो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो एज अ मेटालिक एस्ट्रिंजेंट है जिसकी मीन्स एंटीसेप्टिक सूथिंग और प्रोटेक्टिव कैटेगरी है, मीन्स प्रोटेक्टिव एजेंट है, जो कि मीन्स एज अ लोकल सीडेटिव एक्ट करता है, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसीजर पे। सो इन दैट प्रोसीजर सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो वाटर को लेना है उसके उसको हीट करना है, उसको बॉईल करना है, देन फिर वहाँ से हीट तब रिमूव होंगे, देन फिर उसके अंदर हमको जिलेटिन वहाँ पर ऐड करना है और उसको जेंटली स्टर करना है कि वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। देन फिर जिलेटिन अच्छे से डिजॉल्व हो जाए उसके अंदर, देन फिर हमको उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करना है, ओके, जो कि हीटेड हमारा वाटर जिलेटिन का और वाटर जो हमने हीट किए, ओके, उसको हीट करना है फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट नॉट हायर, उसको मेंटेन हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके वो टेम्परेचर के अबो मीन्स जाना नहीं चाहिए वो, ओके, मीन्स 105 110 टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। स्टर जेंटली टू अवॉइड इंटरपमेंट ऑफ एयर बबल्स अंटिल द सॉल्यूशन इज कंप्लीट, और हमको उसके अंदर उसको जेंटली इसको स्टर करना है कि मीन्स जो एयर के जो बबल्स हो रहे हैं वहाँ पे, ओके, वो मीन्स अवॉइड हो, वो ना आ पाए, ओके, जब तक कि हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है, ओके। बट एक चीज़ क्या हमको यहाँ पर देखना है कि जो भी बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसको जो भी हम वाटर का जो उसको हीट किए, ओके, तो उसको हमको मेंटेन करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक बात हमको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये याद रखनी है, ओके। देन द बेस वेट बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर और एडिंग हॉट वाटर एज रिक्वायर्ड।
और जो बेस है हमको उसके अंदर एडजस्ट करना है जितना मीन्स उसका वेट है, ओके तो उसको ऐड करना है जितना भी मीन्स वो रिक्वायर्ड है ओके हॉट वाटर के अंदर। देन फिर जिंक लेना है हमको, जो कि ऑलरेडी हमको स्विफ्ट जिंक लेना था एकदम फाइनली, तो उसको जिंक ऑक्साइड लेना है हमको स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट जिंक ऑक्साइड नहीं है हमारे पास तो उसको हमको क्या करना है, सीव नंबर 85 से उसको पास करना है ओके कि हमको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्विफ्ट के मीन्स स्मॉल मीन्स हमको जो जिंक ऑक्साइड है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की मिल सके, एकदम फाइन जिंक ऑक्साइड हमको मिल सके ओके। देन फिर उसको डायरेक्टली ऐड करना है टू अबो मोल्टेड मास, जो हमने ऊपर मोल्टेन मास प्रिपेयर किए ओके उसके अंदर उसको ऐड कर देना है। फिर कंटिन्यू स्टिरिंग विदाउट इंटरप्टमेंट ऑफ एयर बबल अंटिल प्रिपरेशन इज विस्कस इनफ टू होल्ड द पाउडर इज सस्पेंशन बट इट इज स्टिल पोरेबल। तो हमको वहाँ पर कंटिन्यूस स्टरिंग करना है कि मीन्स एयर बबल्स वहाँ पर ना आ पाए, और तब तक कि उसको मीन्स स्टरिंग करना है कि मीन्स वो एक विस्कस प्रिपरेशन ना बन पाए ओके। और वो विस्कस प्रिपरेशन बने लेकिन पोरेबल होना चाहिए ओके। जब तक ये पोरेबल नहीं होता जब तक हमको उसको स्टरिंग करना है। देन फिर पोर इनटू द वेसल्स, देन फिर उसको वेसल्स के अंदर पोर कर देना। देन शालो ट्रे ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस एंड अलाउ टू इट टू सेट। देन फिर उसको ट्रे पे उसको पोर कर देना है ओके। देन फिर तब तक उसको उस 1 सेंटीमीटर की थिक मींस 1 सेंटीमीटर थिकनेस सेट नहीं होती उसकी, तब तक के उसको वो ट्रे पे रख देना है ओके। देन फिर ट्रेडिशनली द प्रिपरेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, देन फिर उसको स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कट कर देना है ओके। जैसे हम वो बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको, खमंड वगैरह मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, वैसे इसको पीसेस उसके कट कर देना है। 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स हमको इतने स्मॉल पीसेस के कट करना है। एंड देन पैक्ड इन अ वाइड माउथेड जार सो दैट द पेशेंट कांट मेल्ट एन अप्रोप्रिएट नंबर फॉर द ट्रीटमेंट। क्लोज द जार, अटैच प्रिपेयर लेबल एंड सबमिट। देन फिर उसकी पीसेस कटने के बाद उसको वाइड माउथ कंटेनर के अंदर उसको पैक कर देना। देन फिर उसको लेबल करके फर्दर प्रोसीड कर देना उसको ओके। देन फिर नेक्स्ट आता है लेबल। सो लेबल में यूजेस ऑफ प्रिपरेशन मीन्स उसको हम एज अ एंटीसेप्टिक और एज अ प्रोडक्टिव हम यूज करते हैं। और मीन्स एग्जेमा और अदर स्किन डिसऑर्डर के लिए हम उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ओके। देन फिर रिजल्ट, 20 ग्राम्स ऑफ उनास पेस्ट इज सबमिटेड प्लास्टिक कंटेनर वाइड माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल एज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 65 भी एंड हो गया ओके। देन फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 66। सो एक्सपेरिमेंट नंबर भी 66 सेम है एज पर एक्सपेरिमेंट नंबर 65। इसमें हमको एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया जिंक ऑक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड का पेस्ट हमको प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पर इंग्रेडिएंट दिए जिंक ऑक्साइड बोले फाइनली सिफ्टेड सैलिसिलिक एसिड फाइनली सिफ्टेड स्टार्च फाइनली सिफ्टेड वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो कि हमको 20 ग्राम सेंड करना है ओके। तो नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर पे, उसकी जो सिंपल इसकी प्रोसीजर है सब हमको इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर वे में इसको एक्यूरेटली वे करना। देन फिर उसके बाद जो सॉफ्ट पैराफिन है उसको जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन है उसको मेल्ट करना है। देन फिर वाटर बाथ के अंदर देन फिर उसके अंदर जिंक ऑक्साइड सैलिसिलिक एसिड एंड स्टार्च ये सब उसके अंदर ऐड करना है जब तक कि वो कूल नहीं होते ओके। देन फिर उसको बॉटल के अंदर ट्रांसफर करना है, उसको लेबल बना के सबमिट कर देना है। तो ये भी जो प्रिपरेशन है हमारा जिंक ऑक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड पेस्ट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया ये भी मीन्स एज अ प्रोटेक्टिव और कैरेटोलाइटिक है जिसको हम स्किन इरिटेशन या फिर सोरासिस या फिर एक्ने को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द नेक्स्ट है फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर
67। तो 67 के अंदर हमको बैसोरिन पेस्ट हमको प्रिपेयर करना है। तो बैसोरिन पेस्ट क्या होता है, मींस बैसोरिन पेस्ट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है वो ट्रागाकांत है, जिसको हम बोलते हैं बैसोरिन पेस्ट। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम मींस वाटर के अंदर ट्रागाकांत पाउडर को मींस ऐड करते हैं, ओके, तो क्या होता है वो स्वेल होना स्टार्ट होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक मींस जेली फॉर्म करता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं बैसोरिन। सो जिसकी वजह से हम उसको नाम बोलते हैं बैसोरिन पेस्ट। सो अगर जब हम वाटर को ऐड करते हैं डायरेक्टली ट्रागाकांत पाउडर के अंदर, तो जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं ओके ट्रागाकांत के, वो डायरेक्ट स्वेल होते हैं और जिसकी वजह से मींस एक्सेस जो मींस प्रिवेंट होता है एक्सेस ऑफ वाटर टू दोज इन द सेंटर। ओके, देन फिर सो अ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर फ्री स्वेलिंग थ्रू आउट। सो इसके अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट को ऐड करने की जरूरत होती है कि वो जो भी मींस स्वेलिंग हो चुकी है, मींस जेल फॉर्म हो चुका है वहाँ पे, उसको सब इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो उसके उस पर्पज से हम उसके अंदर अल्कोहल और ग्लिसरीन यूज करते हैं। ओके, सो सिंपली हमको इसके अंदर बैसोरिन पेस्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें हमको इंग्रेडिएंट दिए हैं प्रिस्क्रिप्शन में, ट्रागाकांत इन पाउडर हमको 5 ग्राम लेना, अल्कोहल 10 ml, ग्लिसरीन ग्लिसरॉल 2 ग्राम लेना हमको, और वाटर अप टू 100 ml, जो कि हमको 20 ग्राम्स का पेस्ट हमको सबमिट करना है। सो नेक्स्ट आता है फिर प्रोसीजर पे। तो सिंपल है इसकी प्रोसीजर भी, मीन्स इसके अंदर हमको जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो एक्यूरेटली वे करना है। देन फिर जो वेट क्वांटिटी है ट्रागाकांत पाउडर की, उसके अंदर उसको मोटर रिकॉर्ड क्वांटिटी लेना है हमको ट्रागाकांत की, उसको मोटर के अंदर रखना है। देन फिर उसके बाद उसके अंदर अल्कोहल को ऐड करना है और देन फिर उसको ब्रिस्कली मीन्स को जल्दी से उसको ट्रांसलेट करना है। देन ऐड क्विकली एज पॉसिबल द ग्लिसरीन एंड वाटर विद स्टीम। देन फिर जितना हमको जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी हमको ग्लिसरीन और उसके अंदर वाटर ऐड करना है विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग। देन फिर जो हमारा प्रिपरेशन बन गया वो फाइनल बैसोरिन पेस्ट प्रिपेयर हो गया, तो उसको लेबल करके उसको सबमिट कर देना। सो बैसोरिन पेस्ट इसको हम एज अ प्रोडक्टिव एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए बर्न्स को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 67 भी हमारा एंड हुआ। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 68। तो 68 भी मीन्स सेम है, सिंपल इसके अंदर क्या है कि हमको डिथ्रेनॉल पेस्ट हमको प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर हमको जो हमने बैसोरिन पेस्ट हमने प्रिपेयर किया उसकी भी हमको इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको यूज़ करना है। सो प्रिस्क्रिप्शन में हमको डिथ्रेनॉल 1% है और बैसोरिन पेस्ट जो कि हमको क्वांटिटी सफिशिएंट हमको लेना है 10 ग्राम डिथ्रेनॉल पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो जो डिथ्रेनॉल हम यहाँ पर लेंगे वो 0.1 ग्राम लेंगे और बैसोरिन पेस्ट जितनी भी हमको 10 ग्राम के लिए क्वांटिटी सफिशिएंट लग रही वो उतना हमको लेना है। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है उसकी प्रोसीजर पे। तो विथ वे डिथ्रेनॉल एंड बोरासिन पेस्ट प्रिपेयर्ड इन अर्लियर एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली। सो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 67 के अंदर बैसोरिन पेस्ट को प्रिपेयर किया, तो यहाँ पर हमको सिर्फ डिथ्रेनॉल का 0.1 ग्राम हमको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, मीन्स वे करना है मीन्स 100 mg। सो उसके बाद हमको दोनों को मीन्स जो भी हमारा डिथ्रेनॉल है उसको पोर्सिलिन टाइल पर प्लेस करना है ऑइंटमेंट टाइल की। देन फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट डिथ्रेनॉल इनटू द पेस्ट टू गेट होमोजेनस मिक्सचर। एंड देन जो भी हमने पेस्ट को वे किए बैसोरिन पेस्ट को, जो कि हमको जितने भी उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर हमको उसको अमाउंट रिक्वायर्ड थी उतना लेने के बाद उसको डायरेक्टली उस पेस्ट के अंदर उसको ऐड कर देना है। देन फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हो जाए। ओके, देन फिर प्रिपेयर होने के बाद उसको डायरेक्टली
कंटेनर के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना है। ओके, देन फिर देना नेक्स्ट आता है लेबल। तो लेबल में हम एज अ जो डिटेनॉल पेस्ट है हम उसको एज अ एंटी सोरासिस सोरासिस को ट्रीट करने के लिए या फिर जो भी प्लैक फॉर्मेशन होता है सोरासिस में, ओके, उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिजल्ट। 10 ग्राम ऑफ डिटेनॉल पेस्ट इज सबमिटेड वाइड माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ओके, तो ये भी पूरा सेम है एज पर एक्सपेरिमेंट नंबर 67। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 69। सो इन दैट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 69 यहाँ पर बहुत मीन्स करेक्शन है कुछ, तो मीन्स जो कोडिंग है हमारी, जैसे कि हम अभी तक के जो देख रहे थे वो सेकेंड सी मीन्स पेस्टिस के बारे में देख रहे थे, बट यहाँ पर है सेकेंड डी जो कि जेली है। बट यहाँ पर करेक्शन है आपके मैनुअल में जो भी है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 68 का जो एम है वो उसने 69 में देना दे दिया है। ओके, ये बाय मिस्टेकन हो गया मुझसे। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ये भी, बट यहाँ हमको जो कोड है एज पर कोड के हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है यहाँ पर जेली। ओके, सो जेली क्या होती है, मींस एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूटेंट लूसेंट और नॉन ग्लेसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ओके, हमको पता है जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, मेडिग्रेट जेली होती है, लुब्रिकेटिंग जेली होती है, मिसेलेनियस होती है। ओके, सो हमको सिंपल इसके अंदर जेली प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में हमको दिया है मीन्स केमिकल जो कि हमको सोडियम अल्जिनेट हमको लेना है यहाँ पे 7 ग्राम, ग्लिसरॉल लेना हमको 7 ग्राम, मिथिल हाइड्रोक्सी बेंजोएट लेना हमको 0.2 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 0.05 ग्राम, प्योरीफाइड वाटर फ्रेशली अप टू 100 ग्राम, बट हमको प्रिपेयर करना है 20 ग्राम ऑफ जेली। सो आप सभी को पता है कि हम फैक्टर का यूज़ करते हैं और उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमको जितनी भी लगती है हम उसका कैलकुलेशन करके उसको निकालते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं फिर हम प्रोसीजर पे। देन इन दैट प्रोसीजर कि हमको सोडियम अल्जिनेट को सबसे पहले स्टेप में पहली स्टेप में क्या करना है, सोडियम अल्जिनेट को पहले वेट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल इन द मोटर ग्लास, ग्लास की मोटर में, मोटर के अंदर हमको सोडियम अल्जिनेट को ग्लिसरॉल के साथ उसको थोड़ा वेट करना है, गीला करना है। देन फिर उसके उसमें हमको प्रिजर्वेटिव एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट उसके अंदर उसको डिजोल्व करना है। ओके, इन अबाउट 80 ml ऑफ वाटर विद द एड ऑफ हीट देकर उसको डिजोल्व करना है। देन फिर उसको कूल करना है अबाउट 60 degrees Celsius एंड स्टर रैपिडली विथ अ हाई स्पीड स्टर। देन फिर उसको रैपिडली हमको स्टिर करना है जो भी मीन्स हाई स्पीड का स्टर होता है। ओके, उसके साथ, ओके, उसकी मदद से। देन फिर सोडियम अल्जिनेट ग्लिसरॉल मिक्सचर को टू द वर्टेक्स इन द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कंटिन्यू स्टिरिंग अंटिल डिस्पर्शन इज होमोजेनियस। सो इसको ऐड करना है हमको, ओके, स्मॉल अमाउंट के अंदर, ओके, ये मिक्सचर को जब तक कि उसको स्टर करना जब तक कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स एक होमोजेनियस डिस्पर्जन ना बन पाए। देन फिर प्रिपरेशन होने के बाद उसको टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर उसको पैक कर देना है। ओके, देन फिर उसको लेबल बना के सबमिट कर देना है। ओके, तो यहाँ जो एक्सपीरियंट नंबर 69 है यहाँ पर आपको लिखना है जेली। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो हमको ये करेक्शन करना है। सो जेलिस के हमको यूजेस लिखना है यहाँ पे, तो हम जेलिस को हम एज अ स्पर्मिसाइडल एक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के लिए इसको यूज़ करते हैं, और उसकी एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है, रिजल्ट में आपको लिखना है 20 ग्राम ऑफ जेली इज सबमिटेड इन वाइड माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विद स्पेशल इंस्पेक्शन ऑन लेबल एज अप्लाई एज डायरेक्ट बाय फिजिशियन। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंट नंबर 69 भी एंड हुआ।